यकीनन आपने सही वीडियो की इंतखाब की है। आप बनाना चाहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब बटन अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से। आप ये खुद बना सकते हैं अपनी लैपटॉप पर, अपनी मोबाइल पर, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले आपने YouTube ऐप को खोलना है। YouTube ऐप खोलने के बाद आपने यूअर चैनल पर क्लिक करना है। जब भी आप अपने चैनल के पेज पर पहुंच जाए तो आपने वहां से एक स्क्रीनशॉट लेनी है अपने YouTube चैनल की फ्रंट पेज से। तो जब भी आपने इसको स्क्रीनशॉट ले ली तो आपने क्या करना है, फिर आपने उस स्क्रीनशॉट जो है उसको क्रॉप करना है। आपने जो क्रॉप किया, ये जो यूट्यूब चैनल आपका नेम जहाँ पर मौजूद है वही जगह आपने क्रॉप करनी है। फिर मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको ये किस तरह से बनता है, ये मैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जा रहा हूं, आपने देखना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। तो जब भी मैं यहां पर इस वक्त अपने लैपटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूं, आप देख सकते हैं यहां पर मैं इसके लिए जो ऐप का इस्तेमाल करता हूँ वो है पावर डायरेक्टर 18। इसका इस्तेमाल मैं करता हूं। इस वक्त मैं अपनी ये जो आप देख रहे हैं इम्पोर्ट मीडिया फाइल, मुझे यहां पर फाइल लानी है, यहां मैं फाइल की सिलेक्शन करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर ये सब ऐड किया है। ये सारे स्क्रीनशॉट है जो मैंने ले लिया है। मैं इसको अपने पावर डायरेक्टर वीडियो जो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी मुफीद एप्लीकेशन है, मैं इसका इस्तेमाल रोज़ाना की डेली बेसिस पर करता हूं, तो आपको भी इसका मशवरा दूंगा। ये आप देख सकते हैं मैंने ये जो एक चैनल है जिससे मैंने ये क्रॉप किया है, मैं इसको टाइमलाइन पर ला रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लगा लिया। और आपने सबसे पहले आपने बैकग्राउंड की सिलेक्शन करनी है कि आप बैकग्राउंड किस कलर में देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऐसे बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी ग्रीन स्क्रीन जो की होती है वो इस पर पूरा उतरे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं ये कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी मुफीद है। इसके लिए मैं यहाँ पर इसके साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड की कलर है। मैं जो स्क्रीनशॉट मैंने ली थी वहाँ से मैं इसकी साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने बैकग्राउंड पहले लेनी है। बैकग्राउंड जो एक ऐसी कलर हो जिस पर क्रोमा की जो है वो पूरा उतरी और अच्छी साफ सुथरी आपकी जो लाइक बटन है वो अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड भी लगा लिया। यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट ली थी अपने एक चैनल की वो भी मैंने लगा लिया। अब मैं मीडिया कंटेंट की तरफ जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यही वही वीडियो है जिसे हम बनाएंगे और फिर उसे मोटिवेट करेंगे, मोशन करेंगे, मोशन मिलाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ इस ताकि इस पर फिट आ जाए। इसके भी साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट ली थी अपने चैनल की, ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर ये जो सब्सक्राइब वाली बटन की जो वीडियो है इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इसको डबल क्लिक भी किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्रोमा की का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रोमा की चूज़ किया। अभी मैं इसे यहाँ से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से सफाई के साथ आपकी लाइक और सब्सक्राइब बटन अच्छी दिखाई दे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको क्रोमा की के ज़रिए क्रोमा की का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया। अब मैं इसकी साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि ये इस पर अच्छी तरह से फिट आ जाए। इसकी साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे स्क्रीन अच्छी तरह से देखने पाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी साइज़ कम कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। आप इसकी
उसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसकी साइज़ आप भी बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें तो। यही एक तरीका है जिसे आप बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल तैयार होने जा रहा है। आपको मैं बता दूं ये काफ़ी अच्छी तरीका है, अच्छी तरीका है, आप इसे बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं ये मैंने पहले बैकग्राउंड की सिलेक्शन की, फिर मैंने जो स्क्रीनशॉट ली थी ये दूसरी टाइमलाइन पर मैंने लगा दी है, और ये जो तीसरी है ये इस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की वीडियो है। जो जितने भी नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि हमें ये वीडियो कहाँ से मिलेगी, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी वो व्हाट्सएप नंबर आपने हमें देनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस जो सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की जो वीडियो है ये मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड भी करवा सकता हूँ। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देने है, इस ये वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसे प्रोड्यूस कर लेता हूं। अब इस पर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से प्रोड्यूस होगा, ये जो वीडियो फाइल इससे कैसे बनेगा। मैं इसके आपको सामने प्ले भी कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखें काफ़ी अच्छी तरीके से ये बन चुका है, देख सकते हैं। इसको मैं अब प्रोड्यूस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, चलो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 MB/s साइज़ को इसके लगा दी, तो इसको मैं प्रोड्यूस कर लूँ। ये आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूस होने जा रहा है। तो जब भी ये प्रोड्यूस होगा तो आप अपनी वीडियो पर इसे मोशन भी दे सकते हैं, आप जहाँ से भी चाहे ऊपर नीचे सब इस तरह से आप इसको मोशन भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सामने इसको मोशन भी दूंगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारे क्रोमा ये जो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं दोबारा एडिटिंग में आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं उस पर आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो कि ये लाइक एंड सब्सक्राइब बटन किस तरह से काम करेगी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो यहाँ पर ले ली, आप देख सकते हैं ये हमारी लाइक एंड सब्सक्राइब बटन है। आपको ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, मैं इसको डबल दे देता हूँ ताकि आपको खूब अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये मैंने दो ये वीडियो लगी, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर डबल मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं। इसको मैं क्रोमा की के ज़रिए ये सब इससे हटा देता हूँ, फिर आपने इसको एडजस्ट करना है ताकि अच्छी तरीके से ये एडजस्ट हो, ये ठीक है, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं इसको इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर लूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब मैं इसको मोशन दे रहा हूं, आपने देखना है इस पर भी, मैं अभी डबल क्लिक किया मैंने इस पर, अपने जो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन है इस पर मैंने डबल क्लिक किया, यहां पर मैंने मोशन पर क्लिक करना है मोशन को, और इसी तरह से आपने इसको ये मोशन की तमाम तर सूरत है, आप किस तरह से मोशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से काम करेगा, देखिए यही तरीका है, आप देख लें यही तरीका है, बस हमारी जो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन है वो बन गई है। इसी तरह से आप अपने वीडियोस के लिए आपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को वीडियो पर लगा दिया तो आपने फिर यहाँ पर प्रोड्यूस पर क्लिक करनी है, प्रोड्यूस पर क्लिक करने के बाद आपने उसको साइज़ देनी है। तो इसी तरह से आपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को बनाना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी आपने इसे सीख लिया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजिमी दें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें।